हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अनु मिस यूट्यूब हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में कोर i3, कोर i5 और कोर i7 क्या होता है। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप मार्केट में कोई नया लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले बात आती है कोर i3, कोर i5 और कोर i7 की। यानी कि सबसे पहले आपको जो स्पेसिफिकेशन बताया जाता है वो यही आता है कि आपको कोर i3 लेना है या फिर कोर i5 लेना है या कोर i7 लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर कोर i3, कोर i5 और कोर i7 किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम में क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, क्यों हमको कोर i3 लेना चाहिए, कोर i5 क्यों लेना चाहिए, कोर i7 क्यों लेना चाहिए, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ हम इसके जनरेशंस के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी आप नया लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करने जाते हैं तो कोर के साथ साथ जनरेशन भी चल रहा होता है। तो जब भी आपको स्पेसिफिकेशन बताया जाता है तो वो ऐसे बताया जाता है कि कोर i3 सेवेंथ जनरेशन, कोर i5 फिफ्थ जनरेशन या फिर सेवेंथ जनरेशन, कोर i7 सेवेंथ जनरेशन, तो उसके साथ साथ जनरेशंस भी बताए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम i7 परचेज कर रहे हैं तो क्यों हम कोर i3 के साथ थर्ड जनरेशन का परचेज नहीं कर सकते हैं, क्यों हम कोर i7 सेवेंथ जनरेशन का परचेज करें या फिर फिफ्थ जनरेशन का परचेज करें, क्या हम थर्ड जनरेशन का परचेज कर रहे हैं तो क्या उसकी स्पीड कम है या फिर सेवेंथ जनरेशन का परचेज कर रहे हैं तो क्या उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस टाइप के जितने भी डिफरेंसेस होते हैं तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोर i3 सेवेंथ जनरेशन, कोर i5 सेवेंथ जनरेशन, कोर i7 सेवेंथ जनरेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर के साथ साथ जनरेशंस भी आते हैं। तो दोस्तों, इन सब के बारे में जानने के लिए बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कि कौन सा कोर हमें परचेज करना चाहिए, कौन से जनरेशंस के साथ परचेज करने चाहिए, इन सब में क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों जो साइड में घंटी का आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी हर एक न्यू वीडियो अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरेशंस की, कि जनरेशंस क्या होता है। तो दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा सीपीयू होता है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट होता है, वो होता है ट्रांजिस्टर, जो कि देखने में इस तरीके का दिखता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो हमारा सीपीयू होता है, एक छोटा सा जो प्रोसेसर होता है, वो लाखों करोड़ों की संख्या में ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। जब लाखों करोड़ों की संख्या में ट्रांजिस्टर मिलते हैं तब जाके हमारा सीपीयू जो है कंप्लीट होता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है छोटा सा कंप्लीट होता है और हम वर्क कर पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है देखने में इस तरीके का होता है। और दोस्तों, पहले के जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जो साइज होती थी वो इतनी बड़ी होती थी, यानी कि कुछ बड़ी होती थी। उसके बाद जब जनरेशन चेंज हुआ तो इससे छोटी हो गई, उसके बाद थोड़ा और चेंज हुआ तो उससे छोटी हो गई। तो इसी तरीके से जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे होते जाते हैं उसी तरीके से हमारे जनरेशंस भी चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों, जो जनरेशन होती है, जनरेशन के चेंज होने का यही कारण होता है, जो हमारे ट्रांजिस्टर की साइज होती है उसमें चेंजिंग होती रहती है। यानी कि जितना छोटा हम ट्रांजिस्टर बना पाते हैं जनरेशन उतने ही हायर में पहुंच जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि थर्ड जनरेशन है, तो अगर थर्ड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर जिस साइज का था, अगर हम उसकी साइज को थोड़ा सा और छोटा कर दिए तो थर्ड जनरेशन से अब वो फोर्थ जनरेशन में पहुँच जाएगा। यानी कि जैसे जैसे ट्रांजिस्टर की साइज में चेंजेस होते रहते हैं वैसे वैसे जनरेशंस भी चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्रोसेसर यानी कि सीपीयू का जनरेशन जो चेंज होता है वो इसी के कारण होता है। यानी कि जितना छोटा ट्रांजिस्टर हमारे प्रोसेसर में यूज़ होगा उतना ही ज़्यादा जनरेशन हाईएस्ट में पहुंच जाएगा। यानी कि अगर कोर लो जनरेशन का है तो जितना छोटा ट्रांजिस्टर हमारे प्रोसेसर में यूज़ होगा उतना ही हाईएस्ट में जनरेशन पहुँच जाएगी।
तो दोस्तों हमारे जो प्रोसेसर इंटेल है वो हर साल या फिर हर 2 साल बाद जनरेशंस को चेंज करती रहती है, यानी कि वो कितना छोटा ट्रांजिस्टर बना ले रही है, अगर वो छोटा ट्रांजिस्टर बना लेती है, उसका आविष्कार कर लेती है, तो जो है जनरेशंस को चेंज कर देती है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्यों जो है ट्रांजिस्टर की साइज़ को छोटा किया जाता है, क्यों हमेशा इसकी साइज़ को छोटा करने की कोशिश किया जाता है। तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि जितना छोटा ट्रांजिस्टर यूज़ हम कर लेंगे उतना ही हमारी बैटरी बैकअप ज़्यादा होगी, यानी कि पावर बहुत ही कम कंज्यूम करेगा, बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा देगा, यानी कि लाइट की खपत बहुत ही कम होगी। और जितना बड़ा ट्रांजिस्टर अगर हमारे प्रोसेसर में यूज़ हो रहा है तो उतना बैटरी बैकअप कम होने लगेगी, लाइट की बहुत ही ज़्यादा खर्च होने लगेगी। तो इसीलिए दोस्तों यही कोशिश किया जाता है कि ट्रांजिस्टर की साइज़ छोटा से छोटा बनाया जाए जिससे कि बैटरी बैकअप अच्छा से अच्छा मिले। तो दोस्तों यही कारण है कि जितना हम हायर जनरेशन का लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, और बैटरी बैकअप जो है बहुत ही ज़्यादा मिलता है, और लाइट की बहुत ही कम खर्च होती है, लाइट बहुत ही कम कंज्यूम करता है। और दोस्तों पेंटियम या फिर उसके पहले की अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो जो उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे वो 28 से 20 नैनोमीटर के यूज़ होते थे, जो कि काफ़ी बड़े थे। लेकिन दोस्तों आज के डेट में जो प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं वो जो है लगभग 14 नैनोमीटर के यूज़ हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। अगर आप उसे नग्न आँखों से देखना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आप उसे ना देख पाएँ। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे जैसे आप जनरेशन नीचे आते रहेंगे बैटरी बैकअप उतना ही कम होता रहेगा, और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता रहेगा वैसे ही बैटरी बैकअप जो है वो बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि जनरेशन क्या होता है और जनरेशन कैसे चेंज होता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि कैसे हम ये जानेंगे कि जो लैपटॉप हम यूज़ कर रहे हैं या फिर जो डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो किस जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन का है या फिर फोर्थ जनरेशन का है या फिर फिफ्थ जनरेशन का है या फिर सेवन्थ जनरेशन का है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है ये जानना, तो चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं जनरेशन आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम पता लगाएंगे जनरेशन का। तो दोस्तों होता क्या है कि उस पे जो है एक नंबर लिखा होता है इस तरीके का, इसकी सहायता से बहुत ही आसानी से हम जान सकते हैं कि कौन सा जनरेशन है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लिखा होता है इंटेल कोर, उसके बाद i7, अगर i7 है तो i7 लिखा होगा, i5 है तो i5 होगा, i3 है तो i3 होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है i7 और यहाँ पे जो है एक नंबर लिखा होगा, और इसमें जो है पहला जो नंबर होगा ये दर्शाता है जनरेशन को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, इसका मतलब कि ये थर्ड जनरेशन का है, यानी कि i7 थर्ड जनरेशन का ये प्रोसेसर है। उसके बाद ये जो नंबर होता है ये उस प्रोसेसर का अपडेट्स नंबर होता है। और उसके बाद जो है अगर के लिखा है तो के का मतलब होता है उसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो के जो है उस प्रोसेसर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को दर्शाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जनरेशंस को पहचान सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है इंटेल कोर i7, उसके बाद यहाँ पे जो पहला नंबर है वो है 6, यानी कि 6 का मतलब ये 6 जनरेशन का है, और उसके बाद ये जो नंबर है 700 ये जो है उस प्रोसेसर का अपडेट्स नंबर है, और के जो है उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को दर्शाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से जनरेशंस को पहचान सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोर i3 के बारे में। तो दोस्तों i3 जो होता है वो ड्यूल कोर होता है, यानी कि इसमें दो लोग मिलके काम करते हैं, और इसमें हाइपर थ्रेडिंग अनेबल होता है। अब हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप कोई मदरबोर्ड या फिर सीपीयू परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप सीपीयू परचेज कर रहे हैं तो उस पर आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या उसमें हाइपर थ्रेडिंग अनेबल है या फिर नहीं है। एक्चुअली हाइपर थ्रेडिंग क्या करता है, इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ड्यूल कोर परचेज कर रहे हैं और उसमें हाइपर थ्रेडिंग अनेबल है तो आपका जो ड्यूल कोर है वो क्वाड कोर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जहाँ पे दो लोग मिलके काम कर रहे थे अब 4 लोग मिलके काम करेंगे केवल हाइपर थ्रेडिंग अनेबल होने के कारण। तो अगर आप कोई नया लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप परचेज कर रहे हैं तो आप मदरबोर्ड या फिर सीपीयू पे ये ज़रूर देखें कि क्या उसमें हाइपर थ्रेडिंग अनेबल है या फिर नहीं है।
तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई सा भी ड्यूल कोर या फिर क्वाड कोर परचेज कर रहे हैं और उसमें जो है हाइपर थ्रेडिंग अनेबल है, लेकिन वहाँ पे जो है थोड़ा सा उसके कास्ट में डिफरेंसेज है, 1500 ज़्यादा है कम है, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप वही परचेज करें जिसमें कि हाइपर थ्रेडिंग अनेबल है। इससे क्या होगा कि अगर उसमें हाइपर थ्रेडिंग अनेबल है तो आपका जो सिस्टम है वो फास्ट वर्क करने लगेगा। तो एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और अगर आप हाइपर थ्रेडिंग अनेबल कर देते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ड्यूल कोर को क्वाड कोर समझने लगता है, यानी कि आपके ड्यूल कोर को वो 4 कोर प्रोसेसर की तरह यूज़ करने लगता है, जिससे कि आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। और दोस्तों अगर आपको कोई जनरल वर्क करना है, कोई नॉर्मल वर्क करना है, जैसे अगर आपको कोई ऑफिशियल वर्क करना है या फिर कोई आपको शॉप वगैरह खोलना है, जनसेवा केंद्र खोलना है, इस तरीके का कोई काम करना है, या फिर किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करना है, या फिर अगर नॉर्मल फोटोशॉप वगैरह चलाना है, तो इस टाइप का जितना भी जनरल वर्क होता है, जितना भी नॉर्मल वर्क है, अगर इस टाइप का अगर आपको वर्क करना है तो आप Core i3 ही परचेज करें। आपके लिए Core i3 जो है वो परफेक्ट होगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं Core i5 की। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये थोड़ा सा चेंज है, लैपटॉप में अलग है और डेस्कटॉप में थोड़ा अलग है। तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप में जो है ड्यूल कोर होता है, यानी कि 2 लोग मिल के काम करते हैं, और इसमें जो है हाइपर थ्रेडिंग अनेबल होता है, जिसकी वजह से ड्यूल कोर जो है क्वाड कोर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ड्यूल कोर जो है क्वाड कोर में बदल जाता है। और इसी तरीके से डेस्कटॉप में बात करें तो डेस्कटॉप में जो है ऑलरेडी क्वाड कोर ही होता है, यानी कि इसमें जो है हाइपर थ्रेडिंग अनेबल नहीं होता है। तो लैपटॉप में जो है ड्यूल कोर होता है और हाइपर थ्रेडिंग अनेबल होने के कारण ड्यूल कोर जो है क्वाड कोर हो जाता है, लेकिन डेस्कटॉप में हाइपर थ्रेडिंग अनेबल नहीं होता है, इसमें ऑलरेडी जो है क्वाड कोर ही होता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई नॉर्मल वर्क करना है, जैसा कि अभी हमने बात किया, कोई ऑफिशियल वर्क या फिर कोई जनसेवा केंद्र इस टाइप का कोई काम करना है, या फिर नॉर्मली किसी सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करना है, तो इस तरीके का अगर आपको कोई नॉर्मल वर्क करना है तो आप जो है फालतू का पैसे वेस्ट ना करें, आप इसके लिए Core i5 परचेज ना करें। तो इसके लिए आप Core i3 ही परचेज करें, Core i3 इस वर्क के लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ कोई ग्राफिक डिज़ाइन भी करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा फोटोशॉप पे वर्क करते हैं, कोई डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स बनाते हैं, या फिर अगर आप एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो इस तरीके का अगर आपका वर्क है तो इसके लिए आप Core i5 ही परचेज करें, Core i5 आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों Core i5 में लैपटॉप और डेस्कटॉप जो है ये दोनों सेम होते हैं, सेम रिजल्ट देते हैं, सेम वर्क करते हैं, इन दोनों की स्पीड जो है सेम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं Core i7 की। तो इसमें भी जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये थोड़ा सा चेंज मिलता है। तो लैपटॉप में जो है इसमें ड्यूल कोर और क्वाड कोर दोनों ही मिलता है और इसमें हाइपर थ्रेडिंग अनेबल होता है, यानी कि अगर आप ड्यूल कोर परचेज कर रहे हैं तो इसको जस्ट डबल कर देगा हाइपर थ्रेडिंग की वजह से, यानी कि ड्यूल कोर आपका हो जाएगा क्वाड कोर, और अगर आप क्वाड कोर परचेज कर रहे हैं तो इसमें भी हाइपर थ्रेडिंग अनेबल होगा, जिसकी वजह से ये भी जो है जस्ट डबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप Core i7 का डेस्कटॉप परचेज कर रहे हैं तो इसमें जो है क्वाड कोर और ऑक्टा कोर दोनों ही मिल जाएगा और इसमें भी जो है हाइपर थ्रेडिंग अनेबल होता है। तो दोस्तों इस तरीके से i7 में लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में ही हाइपर थ्रेडिंग अनेबल होता है। तो अगर आपका ड्यूल कोर है या फिर क्वाड कोर है तो हाइपर थ्रेडिंग की वजह से जस्ट उसको डबल कर देता है, और अगर आपका डेस्कटॉप क्वाड कोर या फिर ऑक्टा कोर है तो इसमें भी हाइपर थ्रेडिंग की वजह से जस्ट इसका डबल हो जाता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डबल करके यूज़ करता है। तो दोस्तों अगर आपका कोई हाई एंड वर्क है, बहुत ही ज़्यादा हाई एंड वर्क करना चाहते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का मिक्सिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है Core i7 ही परचेज करें। और इसमें भी जो है अगर आप लैपटॉप के बजाय डेस्कटॉप परचेज कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, अगर आप इसमें ऑक्टा कोर परचेज कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें भी हाइपर थ्रेडिंग अनेबल है और ऑक्टा कोर अगर परचेज कर रहे हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। तो अगर आप इस टाइप का वर्क करते हैं तो आप Core i7 ही परचेज करें। और दोस्तों लैपटॉप में अगर आप ड्यूल कोर परचेज कर रहे हैं i7 का, तो ये जो है उन लैपटॉप में मिलता है जिसकी जो थिकनेस है वो थोड़ा सा कम होती है, जो बहुत ही स्लिम लैपटॉप बनाए जाते हैं उसमें जो है
ड्यूल कोर मिलता है। और क्वाड कोर की अगर बात करें तो क्वाड कोर जो है उन लैपटॉप में मिलता है जिसकी थिकनेस जो है थोड़ा सा मोटी होती है, जो लैपटॉप थोड़ा सा मोटे होते हैं उसमें जो है क्वाड कोर मिलता है। तो ड्यूल कोर का जो आज के डेट में प्राइस है वो 50,000, 60,000, 70, 80,000 के जो आसपास है वो जो है i7 ड्यूल कोर होता है। और अगर आप क्वाड कोर परचेज कर रहे हैं तो ये जो है उससे भी ज़्यादा महंगा मिलता है, इसकी जो प्राइस है उससे भी ज़्यादा हाई होती है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अब आप कोर i3, कोर i5 और कोर i7 समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी अच्छे और न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।